दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीवलेस डिजाइनर ब्लाउज को किस तरह से स्टिच करें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने इस ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताया था और आज की वीडियो में आपको सिलाई के बारे में बता रही हूँ और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखें। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग के बारे में बताया, जो कि ये बॉर्डर है साड़ी का, ये मैंने कट कर लिया है। और देखिए ये ब्लाउज भी मैंने कट कर लिया है और अभी आपको बताने वाली हूँ इसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए आगे पीछे जो हमारे डिजाइन आने वाली है इसमें शोल्डर पे, तो ये बॉर्डर की डिजाइन आएगी। पहले डिजाइन के बारे में ही आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो ये बॉर्डर है, ये जो हमारा लाइन वाला बॉर्डर है डबल, तो इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सिलाई डाल लेंगे। सिलाई डाल के इसमें हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से जब प्लेटें तैयार हो जाएंगी, उसके बाद जब ब्लाउज भी रेडी हो जाएगा उसके बाद इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को कैसे रेडी करना है वो आपको बताने वाले हूँ। तो देखिए ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें नेक में कैनवास लेस कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, नेक में बिना कैनवास का बना रही हूँ। तो देखिए ब्लाउज को मैंने इस तरह से सीधा रख लिया है और देखिए ये हमारा ड्राफ्ट है लाइनिंग का, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। मैंने अभी इसका नेक कट नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, मुड्ढे की तरफ से जो हमारे शेप है, इस शेप में हम यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइडों में स्टिचिंग डाल देंगे। स्टिचिंग डालने के बाद नेक को कट कर देंगे। नेक कट करने के बाद इसको पलट देंगे, डॉट डालेंगे। और बैक साइड का भी आपको बता देती हूँ, सेम इसी तरह से हम बैक साइड का भी करेंगे। देखिए ये बैक साइड का मैंने नेक कट कर लिया है और इसको भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको भी सेम मुड्ढे की तरफ से पहले हम स्टिच कर लेंगे और बाद में चाहे तो नेक में भी सेम अंदर से ही स्टिचिंग करके इसको पल तैयार करेंगे, इससे पूरा डिजाइन करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, नीचे मैंने ब्लाउज रख लिया है सीधा और इसके ऊपर अस्तर रख लिया है। तो देखिए मुड्ढे की तरफ से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर दिया है। यहाँ पे ओपन रखा है क्योंकि यहाँ से हम पलट देंगे इसको और फिर नेक में स्टिच डाल दिया है। और सेम मैंने इसी तरह से दूसरी साइड में पहले नेक कट कर लेते हैं फिर इसको पलट देते हैं। नेक से लेके दूसरी साइड तक मैंने स्टिच कर दिया, नीचे स्टिच नहीं किया है क्योंकि पहले प्लेट डाल देते। तो जैसे कि ये कपड़ा अस्तर और जो दोनों को सेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक सिलाई डाल लेते हैं, जिससे क्या है हमारी प्लेट भी बराबर से आ जाएंगी और फिनिशिंग भी अच्छे से बैठेगी। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई डाल के दोनों पीस सेट हो चुके हैं। अभी हम प्लेट डालते हैं, यहाँ सेंटर से पकड़ेंगे और जो हमने मार्किंग की है सेम मार्किंग पर। तो देखिए सेंटर वाली मैंने स्टिच कर दी है, सेम इस साइड की भी डाल देंगे और इसी तरह मैं सारी प्लेटें तैयार कर लेती हूँ। देखिए तीन प्लेट मैं डाल चुकी हूँ और देखिए चौथी प्लेट जो हमारी है सेंटर पार्ट है जो हुक का, यहाँ पर डालनी है। इसके बाद सेम इसी तरह से इस पार्ट में भी डाल दूंगी। देखिए ये प्लेटें मैंने दूसरी साइड में भी स्टिच कर दी हैं, तो प्लेटें हमारी कंप्लीट हुई हैं। देखिए राइट साइड में आप देखेंगे तो इस तरह से ही आ रहा है। अभी मैंने इसी तरह से बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अभी बैक पार्ट को यहाँ से स्टिच कर देते हैं शोल्डर से। देखिए जैसे मैंने फ्रंट तैयार किया है उसी तरह से मैंने पलट के नेक को तैयार कर दिया था। सेम मुड्ढे में भी इसी तरह से नॉर्मल प्लेट डालते हैं, प्लेट डाल दी है, नीचे फिनिशिंग दे दी है। अभी हमने फ्रंट में नहीं दी है, इसमें भी देंगे और अभी इसको हम शोल्डर से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए बैक ओपनिंग थी तो मैंने बैक साइड में हुक पट्टी भी लगा दी है। अब यहाँ से शोल्डर से हम इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। ये दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर दी, तो आगे पीछे पार्ट दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हमने जो बॉर्डर लिया था, देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इसको डबल स्टिच डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अभी इसमें प्लेट डालते हैं और फिर हम यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देंगे। तो देखिए हम इस तरह से हाफ इंच की प्लेट डालेंगे। इस
पे आयरन कर दिया है। और देखिए ये हमारा ब्लाउज है, अभी हम यहाँ पे अटैच करते हैं। तो इसको हम खोल देते हैं और एक साइड का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे से हम रख रहे हैं, तो जो यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट ली थी, यहाँ पे ये फ्रिल हमारी इस तरह से सेट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम सिलाई डालेंगे, यहाँ से लेते हुए तैयार कर दी है। तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। और देखिए मैं अभी यहाँ पर लेस लगाने वाली हूँ, जो मैंने लेस ली थी। तो देखिए लेस को हम यहाँ से, जो हमारी फिटिंग रहेगी साइड से, यहाँ से लेके हम सेम शेप में बैक साइड तक यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और इसी तरह से जो हमारा ये नेक है, यहाँ से कमर से लेंगे, यहाँ से लेके और इस तरह से पूरे नेक में राउंड में यहाँ तक हम अटैच कर देंगे। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड के मुद्दे में भी। देखिए मैंने दोनों साइड में ये लेस लगा दी है, मुड्ढे में भी और देखिए नेक में भी डबल स्टिच डाल दिया है। अभी नीचे कमर की फिनिशिंग दे देते हैं, यहाँ पे भी लेस लगा देंगे और फिर साइड फिटिंग करते हैं। तो देखिए ये 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट कर ली है और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए मैंने कमर में भी लेस लगा दी है और यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी। अभी इसकी फिटिंग देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, सेम दूसरी साइड में भी, इसी तरह से कमर में भी। तो देखिए यहाँ से हमारी इस तरह से स्टिचिंग आ जाएंगी। देखिए मैंने साइड फिटिंग कर दी है, इसी तरह दूसरी साइड में भी कर दी है। और देखिए यहाँ पे हमारी लेस भी आ रही है, नेक में भी लेस आ रही है। और आप यहाँ पे देखेंगे शोल्डर पे ये फ्रिल से कितना अच्छा लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। और आप फिटिंग भी देख रहे हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग आ रही है। और अभी आपको बैक साइड का पार्ट भी दिखाती हूँ। तो देखिए शोल्डर पर भी आप देखेंगे, जैसे कि हमने ये फ्रिल आगे पीछे दोनों साइडों में अटैच की थी, तो देखिए यहाँ पर भी लेस आ रही है हमारी और नेक में भी आ रही है। और देखिए यहाँ से होते हुए हमारी पूरी कमर में लेस आ रही है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।